यहाँ पे देखिए टीम नंबर 25 वर्सेस टीम नंबर 7 और ये एक स्क्वाड हाउस में पुश हुआ है, कंप्लीट पुश. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर बिकॉज स्क्वाड हाउस बैटल्स आर एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. एक बंदा पूरी तरह से फिनिश कर दिया है, कंफर्म कर दिया है, अदर प्लेयर्स आर अपस्टेयर्स काम कर रहे हैं. देखना यार अभी दिस इज गोना बी लाइक टीम नंबर 7 वर्सेस एक और जो कौन सी टीम है. ओके एक और टीम जो है नीचे से आ रही है तो यहां पे सारी टीम्स पास आउट हो गई. नंबर 15 एक्चुअली चली गई है. सो इट्स एक्चुअली टीम नंबर 25 वर्सेस 7 ओनली. टीम नंबर 10 पुश कर सकती है, दे आर वेरी क्लोज. ब्यूटीफुल कवर यार, बहुत ही ज्यादा मजेदार कवर. आई बिलीव टीम नंबर 10 हैज बीन वाइप्ड आउट कंप्लीटली. डॉक्टर स्टैरो ने क्या परफॉर्मेंस दिया वहां पे. बस उन लोग ने 3 वर्सेस खेला है, ठीक है, 2 वर्सेस एक्चुअली, नॉट 3, इट वाज एक्चुअली 2 वर्सेस 4 सिचुएशन. ओ माय गॉड डूड, एक स्क्वाड वाइप की एंड देन एक और पुश पे उन्होंने नेक्स्ट स्क्वाड को भी वाइप की. हाउएवर दिस इज द थर्ड पुश. ओ माय गॉड, पुश हो गया इन पे. कैन दे मेक इट आउट. टीम नंबर 7 हैव टू, इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट नाउ. बट उनके क्या होगा, लेट्स सी. One of their members has been taken down completely. Team number 7 के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ये. But team number 9 का एक बंदा down है. Team number 9 का एक और बंदा down. Oh my god, that was a great spray. अभी देखने की team number 9 का शायद एक ही बंदा बाकी है. He is down over there. इनका भी एक बंदा down हो चुका है. Oh my god, this is really interesting and unbelievable because इन्होंने 3 squads को back to back निपटाया है. Dude, कितना time लगा 3 squads मारने में, बता मेरे को. 1 minute I guess. और अभी तक एक भी बंदा नहीं मरा उन लोगों का. चारों जिंदा, चारों जिंदा है. That's the best part. Wow, this was unexpected and they seriously deserve a lot. क्योंकि टीम नंबर 20 का आएगा, एक ही बंदा बचा है who is closing in. कुछ भी हो सकता है, यू नो, पता चला ये अकेला क्लच कर जाए. बट यू नो, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय टीम नंबर 7, मजा आ गया देख के. लो ऑन एचपी, अनदर स्क्वाड पुश बाय टीम नंबर 11. वाओ, दे मेक इट आउट. दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग. वन मैन इज डाउन ऑलरेडी ऑफ टीम नंबर 11. ओ माय गॉड, ओके. कैन दे मेक इट आउट टीम नंबर 7 फॉर द विन. ओ, द सेकंड गाय इज नॉक डाउन. ओनली वन, इट्स वन रिमेनिंग. ओ माय, नो, दिस टाइम. ओके, नो, इट्स स्टिल रिमेनिंग. या, इट्स वाइप्ड आउट. Team number 11 has been taken down completely. Oh my god, I'm fan of this team. Ye team ka naam kya hai, koi mereko batayega please? Dr. Stero, you will be remembered, buddy. Yup, dude, seriously. Bahut badhiya. Ek bit ka ek banda completely is away. Okay, udhar team number 7 pe push ho chuka hai. Yes, it's a push on team number 7 and team number 7 ke bande niche kood kood ke maar rahe hain. Do banda knock. Nahi, is baar to मुश्किल लग रहा है. इट्स गोना बी 2 वर्सेस 1 अलोन. डॉक्टर स्टैरो इज द ओनली वन रिमेनिंग ओवर हियर. दिस इज गोना बी रिस्की. कुजी कुजी, ओनली वन गाय लेफ्ट. हेलो भाई साहब, क्या हो गया? माय गॉड, अनदर स्क्वाड हैज बीन वाइप्ड आउट बाय टीम नंबर 7. 21 किल्स, अनबिलीवेबल भाई. बट दे लॉस्ट वन गाय, दे लॉस्ट, दे डिड लूज वन गाय. यार इतना तो यार क्या खेला है, अनबिलीवेबल. टीम नंबर 7, डॉक्टर स्टैरो, यू आर द मैन बड़ी. क्या खेला है आपने डॉक्टर स्टैरो, मजा आ गया देख के. 5 स्क्वाड्स आपने निपटाई है यहाँ पे, टोटल 5 स्क्वाड्स एंड 1 गाय. या, इट्स एक्चुअली 5 स्क्वाड्स एंड 1 गाय. वो जो ऊपर मारा था ना, ऊपर अभी मारा था टीम नंबर 20 का, राइट. सो इट्स 5 स्क्वाड्स एंड 1 गाय. क्या होगा इन लोग के बीच में, होगा क्या ब्रो, होगा फाइट. और वो भी ऐसी वैसी नहीं होगी, तगड़ी वाली फाइट. और ऐसी फाइट जो हमको देख के आ जाएगा मजा. ओके, तो टीम नंबर 20 का एक बंदा जो है टोटली फिनिश कर दिया है. सेकंड बंदा बहुत लो है जो इमॉर्टल है, ही इज जस्ट लाइक 1 HP इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और यहां पे जो है तीसरा बंदा भी नॉक हो चुका है. इट्स जस्ट वन गाय लेफ्ट फॉर नाउ. ही टुक आउट वन गाय. कैन ही क्लच दिस वाइपर? कैन यू क्लच इट? क्या वाइपर क्लच लगा पाएगा? क्या लगता है गाइस आप लोगों को कि वाइपर क्लच लगा पाएगा कि नहीं? शायद से लगा सकता. ओह नहीं, इट्स 1v1 फॉर नाउ. यप, 1v1. ओ माय गॉड, ओके, इजी. वाइपर ने लगा दिया गाइस गाड़ी को चौथे क्लच में. बहुत ही अच्छा क्लच, बहुत ही अच्छा हीरो गाइस. चौथे गियर में सर, क्लच पे कहां पहुंच गए तुम? 4 क्लच नहीं होते? ऑन द स्पॉट क्लच कर दिया गाइस. बहुत ही
बहुत ही खतरनाक क्लच. ओके सो इट्स गोना बी अ स्वैट वर्सेस हेटर्स. अभी हेटर्स जो है अभी एक स्क्वाड वाइप करके आई है. अब देखना है कि क्या वो सेकंड स्क्वाड वाइप कर सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि हेटर्स के पास जो लूट है ना, इट्स अनबिलीवेबल. दो ड्रॉप्स की लूट है. एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया लूट है अभी फिलहाल उनके पास. एंड स्वॉट वाले यहाँ पे टीपीपी ले रहे हैं. They are trying to figure out. उनका आई गेस पता है नीचे ही रिज पे बैठा हुआ है. I'm pretty sure उनका पता है. इन लोग के दो और बंदे कहाँ पे हैं यार? इन लोग के मेरे को दो ही बंदे. अच्छा, उन लोग थोड़ा लेफ्ट में. चलो never mind. एक ही है. नहीं नहीं, पूरी स्क्वाड है. पूरी स्क्वाड है इनकी. वो लोग लेफ्ट में बाना उसके यहाँ पे रुके हुए हैं. एंड आई गेस दे आर गोना. ओके, 8 बिट है इन लोग के सामने. 8 बिट बूम था सामने. देयर इज वन ग्रेनेड. कैन दे मेक इट? नॉक. नहीं, ये नीचे गिर गया यार. दोनों टीम्स का पर्सपेक्टिव मिल रहा है हम लोग को, दोनों टीम के प्लेयर्स का. एंड ये काफी अच्छी चीज लगी है. दिस इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग. दोनों का पर्सपेक्टिव देखने मिल रहा है हम लोग को. अब देखना है यार क्या टीम नंबर 10 जो है मैनेज कर पाएगी टीम नंबर 24 को टेक आउट करने के लिए. अब यही तो अभी मतलब बात तो यही है. विमल भाई हमारे लाइक 1v1 सिचुएशन में मतलब इजीली आराम से काट दिया उसने. कर लिया. SMG है इनके पास एंड सामने AUG है. तो यू नो बहुत मजा आने वाला है. बट विमल कुछ ज्यादा ही आगे आ चुके हैं एंड उन्होंने सीधे एंटर कर लिया इनका घर. वाओ, ही हैज बीन टेकन डाउन एंड अनफॉर्चुनेटली उनका और एक टीममेट. ओ, दे डिड मैनेज टू टेक वन ऑफ हिज ओपोनेंट्स डाउन और उनको फिनिश भी कर दिया उन्होंने. बिल्कुल ही. एंड एक ही बंदा नहीं नहीं एक बंदा बाकी है. One versus one right now. It's gonna be 1v1 for now. Haters can he make it? Show. Versus SWAT का एक. Ooh, SWAT. भाई 10xP में full clutch कर दिया. That was a really great. अरे लूट रहा है ये जाके. Okay, reviving. यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी आए हैं just. So you know XG squad अब सिर्फ wait कर रही है कि कब हम spot करें सबसे पहले enemies को so that we can make our next move. तो जैसे ही enemies spot करेंगे XG वाले दे मेक देयर नेक्स्ट मूव प्रोबेबली फ्लैंकिंग और एनीथिंग जैसा भी हो. तो टीम नंबर 17 का ये जो बंदा है ही हैज दिस चांस टू टेक डाउन टू पीपल एट अ टाइम. ये नेड जाएगा कि नहीं? नेड गया, नेड गया. एक दो डाउन है. ओ भाई, एक ही नेड से दो डाउन हो चुके हैं. बहुत ही अगर ये रश करता है तो इन दोनों को ये खत्म कर देगा. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी इस टीम के लिए. आई थिंक ये खत्म करेगा. अभी ये देखना चाहेगा कि वो उसको रिवाइव देने वाला है कि नहीं. बहुत ही बढ़िया मूव बाय नंबर 17 एंड देयर यू गो. और एक और डाउन. 1v1 सिचुएशन है गाइस. आई थिंक ये क्लच कर जाएगा. बिट्टू की भी पोजीशन, इसको आईडिया है. गन ग्लिच कर गई. बिट्टू की पोजीशन भी पता है इसको. टाइम नहीं लेगा, रश करेगा प्री फायर के साथ. और चार बंदे अकेले. और वो जो छत पे आया ना भाई, इसने क्या लिया है पूरे भाई. वो जो छत पे आके जो मारा ना, जो एंगल उसने बनाया वो exactly. अलग ही लेजेंडरी था यार. मजा आ गया. लाइक वो करना क्या है. LOL के दो बंदे नॉक हो चुके हैं, शायद से तीन बंदे नॉक हो चुके हैं. इट्स ओनली वन गाय LI ऑफ LOL. दोनों तरफ से शॉट्स पड़ रहे हैं LOL लोकी को. क्या वो KHF को निकाल पाएगा? अगर वो KHF को निकाल पाए तो इसके लिए मतलब लाइक एक ये बन जाएगी. और 1 HP थी और KHF ने आराम से खत्म किया. KH Max को रिवाइव नहीं दे पाएंगे, उससे पहले टीम वाइप हो गई. भाई क्या कर रहे हो? हमारे अग्नि वाले अभी नहीं किया राइट. अग्नि वालों ने अभी धावा नहीं बोला. आई थिंक ये वेट कर रहे हैं. नॉट रूड गाय को अग्नि ने ले लिया. पीछे से फायर हिमांशु को पड़ी है. फायर वाले बंदों को यहाँ पे आई थिंक खत्म करेंगे. ये इनको थर्ड पार्टी नहीं करने देंगे. देखना है एक बंदा और है, वो है किस जगह. और बहुत ही अच्छा स्प्रे ऑल्टेयर का, बहुत ही अच्छा स्प्रे. IGC के बंदे बहुत अच्छा खेल रहे हैं. और ये DPP 4S का स्प्रे बहुत ही अच्छा स्प्रे गाइस, 11 किल्स के साथ. बॉट्स की टीम अगर जगदीप सर बचे हैं. ओके, जगदीप सर मार रहे थे. फाइनली शॉट्स लिया. आई डोंट थिंक इनको जरूरत थी. अब इनकी पोजीशन पता है अग्नि को. अब ये दिक्कत की बात हो सकती है जगदीप सर के लिए. 8 तक आ ही गए थे. अब देखते हैं यार क्या पता. अग्नि के लग गए हैं IGC के बंदो. अग्नि ने आई थिंक पहले इनको रश ना करके घर से बड़ी गलती की. अब तो IGC के पास बहुत अच्छा हिल एडवांटेज है. अग्नि के दो बंदे डाउन हो चुके हैं. सैड लाइफ फॉर अग्नि. IGC एकदम यू नो OP एकदम रेडी है. हमारी IGC के बंदे पूरा वाइप आउट कर दिया यार. मानना पड़ेगा IGC के गेम प्ले क्या खेलते हैं यार. जगदीप सर का डैमेज बहुत ही ज्यादा हो रहा है. सर्कल को क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं? ओके, कर लिया. और वापस सर्कल में अब खत्म. IGC के पास बहुत अच्छा एडवांटेज है. रिच का एडवांटेज. 16 किल्स हो चुके हैं. 16 किल्स हो चुके हैं. बहुत सब 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 के सब इसको सामने दिख रहे हैं.
बहुत अच्छा हिल एडवांटेज है आईजीसी के पास, बहुत full, ही अच्छा full domination, bro, full और domination. इसी के साथ अग्नि पूरी खत्म, 18 किल्स हो गए आईजीसी के पास, बहुत ही अच्छा गेम प्ले, आई लव यू आईजीसी। तो अभी ये रश नहीं कर रहे, एक और नेड है ऊपर, और मेरे को लग रहा है कि इनका स्ट्रेटजी ये है कि एक बंदा पहले हम नॉक करें उसके बाद ही हम जाएं। देख लिया भाई एक बंदा नीचे, ओ तीन लोग, क्या ओ भाई डोमिनेट डोमिनेट डोमिनेट, ओ कर दिया भाई, बहुत बढ़िया। मतलब एमके वाले तो भाई पूरा स्क्वाड वाइप आउट कर दिया, वाइप आउट कर दिया, जी जी नो, एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा उसको, या वो स्पॉट ही नहीं हुआ था, वो स्पॉट ही नहीं हुआ था, लेकिन फिर बाद में उसको मार दिया। और यहां पे लड़ाई हो चुकी है टीम नंबर 15 की, टीम नंबर 15 ने, जी जी भाई, बट वो बंदे का थोड़ा सा बॉडी जो है वो दीवार के आर पार दिख रहा होगा। और ओ भाई क्या मार रहा है, और ये हाइफन का बंदा है, जो हाइफन का बंदा था यार उसने मतलब दो बंदे ऐसे मारे ना यार, मतलब मजा ही आ गया। लेकिन यार ये जो बचा गया अपने टीम को, टीम नंबर 24 का बंदा, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, सैंडविच सिचुएशन है बहुत सारी टीम के लिए, और यहाँ पे चोरी कर रहा है भाई, लड़ दिया भाई 13 किल है इस टीम के भाई, बी आई ए के लिए, ताकि ए के बारे में इक्वल हो जाए, याद रखिएगा 2000 जाते हैं वीर को गिराया रिवेंजर्स एस ने, और रिवेंजर्स ने काफी काफी हिट खाई, लेकिन टीएस और रिवेंजर्स की टीम में यहाँ पर कुछ हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हुए रिवेंजर्स एस, जिनके भी काफी कम है, और यहाँ पर रिवेंजर्स को नॉकआउट करा टीएस ने, Revengers के TS Align को गिराया है यहाँ पे, एक एक दोनों के नीचे है, और यहाँ पे Revengers K को भी मारा, TS की टीम हावी होते हुए, Revengers के अभी भी दो प्लेयर हैं बाकी, एक को खत्म करा Revengers S, पूरा खत्म हुआ, Revengers K वो भी बाहर खतरे में लेटा हुआ, और यहाँ पर Revengers D SKD, और यहाँ पर TS Align को पूरा खत्म करा, और यहाँ पर Revengers K को रिवाइव और इसी के साथ माई बेट इज